वक्त सासाराम में है, काराकाट संसदीय क्षेत्र का चुनाव आज फाइनल हो रहा है और पवन सिंह के बड़े छोटे भाई हैं हमारा साथ। क्या हालचाल है अंदर में? बढ़िया बताए। बढ़िया हालचाल है। हाँ, पवन सिंह निकल रहे हैं क्या? निकल रहे हैं। कितना वोट से आगे हैं? बस निकलना है, वोट काउंटिंग नहीं करना है, बस निकलना है। उनके सेकंड पर कौन चल रहे हैं दर्शकों को बता? सेकंड थर्ड से हमारा क्या मतलब, हमारे एक से मतलब है। हाँ, हाँ। कितने वोट से पवन सिंह आगे निकल रहे हैं अपडेट बताइए? अभी लगभग 10-12 हजार से। 10-12 हजार से कितना ये ईवीएम खुल चुका है ये तो जी अंदर बाबू ने बताई। हाँ। जी देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, यानी हम लोग अभी सासाराम में है और जबरदस्त तरीके से आज काउंटिंग हो रहा है। पवन सिंह नंबर वन पर चल रहे हैं काराकाट संसदीय क्षेत्र से। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर। क्या हलचल है अंदर से, क्या अपडेट मिला है आपको? बढ़िया है और आगे चल रहे हैं हमेशा। हाँ। हाँ। टीवी पर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो आगे चल ही रहे हैं। तो आप क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया, पॉजिटिव है, बहुत आगे चल रहे हैं और अभी तक बढ़िया है, अभी तक सब बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बताइए, बोलिए। भैया जी आगे चल रहे हैं और पहले नंबर पे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पे राजा राम जी चल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी खबर त्रिकोणीय लड़ाई है और सबसे बड़ी खबर है कि आरती न्यूज पर पहला अपडेट, यानी पवन सिंह यानी आगे चल रहे हैं। कैमरामैन दिखा दीजिए, यही बाजार समिति है, इसी के अंदर, उजला नहीं ना रहा है देखिएगा तो, यही इसी के अंदर में काउंटिंग चल रहा है। यानी पवन सिंह यानी आगे चल रहे हैं, यानी 10-12 हजार का आगे हैं और त्रिकोणीय लड़ाई है यानी काराकाट क्षेत्र से। यह सबसे बड़ी खबर। देखिए पुलिस प्रशासन और क्या अभी तक कुछ अपडेट आया है? आएगा तो बताया जाएगा आपको। बिल्कुल, पवन सिंह के ये छोटे भाई हैं, लगातार इनसे बातचीत कर रहा हूँ। है कैमरे पर साटो, बोलिए। लेकिन कितना खुशी होगा जब जीतेंगे निकलेंगे तो? बिल्कुल खुशी होगा, सबको खुशी होगा। पवन भाई कहाँ हैं? पवन भाई अभी हैं डेहरी में। डेहरी में सोए हैं क्या? ना, पूजा पाठ में लगे हैं। पूजा पाठ में बैठे हुए हैं? हाँ, लगे हैं। देखिए यही तो भाई हैं, लगातार ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दीपक भैया कहाँ हैं? अंदर में है क्या? अंदर में है। और देखिए पवन सिंह यानी एक नंबर पे, सबसे बड़ी खबर है कि एक नंबर पे चल रहे हैं। कितना वोट से? फिर बोलिए। 10,000, 12,000, 8,000 बढ़ रहा है, चलता है। 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं पवन। पावर एजे तो शुरू वाला, एजे खत्म, जीत के बाद देखा जाए। देखिए पिटू भाई, हाँ अभी यार इलाज से, देखिए देखिए सबसे, हाँ देखिए देखिए इनको कुल 1,211 वोट मिले हैं। देखिए मैं अपने राजा राम सिंह, इनको 16,110 वोट मिले। उजला नहीं आ रहा है। तीसरे कैंडिडेट अजीत कुमार सिंह, इनको 426 वोट मिले हैं। देखिए कुछ समय मैं दिखा रहा हूँ, 20 वोट मिले हैं। पांचवें कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा, इनको 11,253 वोट मिले हैं। प्रदीप कुमार जोशी, 204 वोट मिले हैं। प्रयाग पासवान, 201 मत मिले हैं। उजला नहीं आ रहा है। प्रियंका प्रसाद चौधरी, 410 मिले मत मिले हैं। राजेश्वर पासवान, 219। विकास विनायक, 288 मत मिले हैं। इंदिरा राज रोशन, 224 मत मिले हैं। पवन सिंह, 9,672 वोट मिल चुका है। ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, बड़ा अपडेट, सबसे आगे हैं। अनाउंसमेंट चालू हो गया, यानी प्रथम राउंड राजा राम पवन सिंह तीसरे नंबर पे। देखिए सबसे बड़ी खबर ये आरती न्यूज पर बता रहे हैं, यानी राजा राम आगे हैं और प्रथम राउंड का बता रहा हूँ। ये राजा राम आगे हैं और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा हैं और तीसरे नंबर पे पवन सिंह का। ये सबसे बड़ी खबर, तीसरा राउंड तीसरे नंबर पे पवन सिंह चल रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ। यानी अलाउंस के मुताबिक ये आरती न्यूज पर बड़ा अपडेट। उजला नहीं ना रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा मैन आनंद के साथ, मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव, सासाराम, बिहार।